हमने पाठशाला परीक्षा का क्या किया है, हमने बुक रीडिंग किया है ना। अब हम क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु है ना। पाठ्य वस्तु के अंदर क्या लिखना है हमको, कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, वाक्य प्रयोग, प्रश्न उत्तर और पुस्तक कार्य, मतलब बुक वर्क हम करेंगे पृष्ठ क्रमांक मतलब पेज नंबर 48 से 50 तक, ठीक है। अब हमारे कंटेंट में सबसे पहले क्या है, कठिन शब्द है ना, तो कठिन शब्द लिखना है और कितने बार लिखना है हमको, 3 बार लिखना है, ठीक है। जैसे पहला नंबर है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। नंबर 2 क्रोध, क्रोध, क्रोध। नंबर 3 परीक्षा, परीक्षा। नंबर 4 धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, ठीक है बेटा। उसके बाद हमको लिखना है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ को हम शब्दार्थ कहते हैं, शब्द के अर्थ को हम क्या कहते हैं, शब्दार्थ कहते हैं। पहला नंबर शिक्षा, शिक्षा मतलब ज्ञान, ठीक है, शिक्षा मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। युवा, युवा मतलब जवान। सदा, सदा मतलब हमेशा। आदर, आदर मतलब सम्मान। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। हमने पाठ्य वस्तु में कठिन शब्द कंप्लीट कर लिया, शब्दार्थ कंप्लीट कर लिया, अब हम आएंगे विलोम शब्द पे, ठीक है बेटा। चलिए विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द है ना, या विपरीत शब्द, ठीक है। मतलब जैसे आना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जाना है ना, तो उल्टा दिन का रात, उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे लिखा है सच, सच का उल्टा विलोम क्या हो जाएगा, झूठ। दिन, दिन का उल्टा रात है ना, अच्छा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा। नंबर 4 असली, नकली है ना। योग्य, योग्य का क्या हो जाएगा, अयोग्य। हम क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। उससे पहले एक बता रही हूँ आपको, एक शब्द होता है, शब्द का जो सबसे पहले हम अर्थ लिखेंगे, शब्द का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है सदा, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा, ठीक है। चलिए और हमको वाक्य प्रयोग किसका करना है, सदा का। हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो हमने किसका वाक्य प्रयोग किया बेटा, यहाँ पे सदा का, तो सदा के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है बेटा। अब नंबर 2 में आता है प्रयत्न, उसका अर्थ होता है कोशिश, प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। हम वाक्य प्रयोग करेंगे, प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती है, प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती। हमने किसका वाक्य प्रयोग किया बेटा, प्रयोग का, प्रयत्न का, सॉरी, प्रयत्न में हम अंडरलाइन करेंगे, ओके। इसको आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और अलग अलग पेज में, पाठ्य वस्तु एक पेज में, एक पेज में कठिन शब्द, एक पेज में शब्दार्थ, एक पेज में विलोम शब्द, एक पेज में वाक्य प्रयोग, और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ओके। अब हमारी बारी क्या है, प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण करने की, ठीक है बेटा। तो हम नंबर डालेंगे, नंबर 5 प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा क्यों लिया करते थे, गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा क्यों लिया करते थे। उत्तर नंबर 1, गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा इसलिए लिया करते थे ताकि पाठ को समझे और अपने जीवन में उतारे, ताकि पाठ को समझे और अपने जीवन में उतारे। आप लोग बुक रीडिंग की होगी तो और अच्छे से समझ गए होगे, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने पाठ को कैसे सुनाया, युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने पाठ को कैसे सुनाया। उत्तर देखते हैं, युधिष्ठिर के अलावा सभी राजकुमारों ने पाठ को रटा रटाया सुनाया, पाठ को रटा रटाया सुनाया। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं, 5 पांडवों के क्या नाम थे, 5 पांडवों के क्या नाम थे। उत्तर है 3, 5 पांडवों के नाम, पहला नंबर था युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, चौथा नकुल और सहदेव थे। 5 पांडवों के नाम कौन कौन से थे, युधिष्ठिर,
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को क्या पाठ पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को क्या पाठ पढ़ाया? तो उत्तर नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। क्या पाठ में पढ़ाया? कि सदा सच बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ याद करने का असली अर्थ क्या है? पाठ याद करने का असली अर्थ क्या है? उत्तर क्रमांक 5, पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और जीवन में उतारना। पाठ को समझना और जीवन में उतारना। ठीक है बेटा। आप लोग पूरे प्रश्न उत्तर को अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग लिखेंगे।